बेसिकली वही बात है कि अभी जो इसहाक शाह की डिमांड है वो आप उनको समझ लेना, वो चाह रहे हैं कि फीफा उनसे बात करे। आपकी आईपीसी ठीक है, मिनिस्टर चाह रही है कि फीफा उनसे बात करे, दोनों एक ही चीज चाह रहे हैं कि फीफा उनसे बात करे। इसहाक शाह साहब को चला रहा ठीक है, है, जो लोग फीफा से चला रहे हैं वो गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट खुद कह रही है कि फीफा हमसे बात करे। तो बेसिकली व्हाट दे वांट इज कि फीफा गवर्नमेंट के साथ डायलॉग। ठीक है, राइट नाउ एवरीबॉडी इन ऑन दैट साइड दे वांट दैट कि फीफा उनसे डायलॉग करे। देखिए फीफा बहुत सारे मुल्कों में इट एक्चुअली डज स्पीक टू द गवर्नमेंट। जो ये वाली बात है कि जी फीफा ठीक है, का गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फीफा देखें, फीफा जब वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करती है तो फीफा क्या गवर्नमेंट से बात नहीं करती? फीफा इज ऑलवेज इन टच विद द रशियन ऑब्वियसली गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक इट्स अ ग्लोबल गवर्निंग बॉडी, वो मुल्कों में फुटबॉल ओवरसी करती है, तो गवर्नमेंट से तो बातें करनी ज़रूरी होती हैं, वो तो कोई डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा। आई जस्ट वो व्हाट इज़ लाइक फैसिनेटिंग इज़ के डायलॉग वाली बात में अब देखते हैं कि हाउ विलिंग अशफाक ग्रुप एंड द गवर्नमेंट आर विलिंग टू बज, क्योंकि फीफा तो कहेगी ना कि भाई हमें तो थोड़ा लाइक ठीक है डायलॉग कर लेते हैं, बट हमें एनसी का मैंडेट तो पूरा करने दो। देखें, वो बात वही है ना कि देखें ये जो चीजें थी ना, ये जो सारी रुकावटें थी, दिस वाज वेरी मच प्रिडिक्टेड पहले से। व्हेन हमजा वाज इन चार्ज तब सरदार नवीद हैदर खान साहब एक केस जीते हुए थे। देखें कुछ गलतियां फीफा की भी हैं पाकिस्तान की क्राइसिस में, बेशक, और कुछ गलतियां हमारी अपनी, मतलब हमारी गवर्नमेंट। बेसिकली दोनों साइड ने चीजों को ना टैक्टिकली और मतलब थोड़े से दिमाग से हैंडल नहीं किया। अब देखें सरदार नवीद हैदर खान साहब बोलते हैं कि मैं पीएफए का प्रेसिडेंट हूँ, उनकी बात ये भी सही है क्योंकि वो ठीक पीएफए का इलेक्शन वो जीते हैं 2018 में। वो इलेक्शन सुप्रीम है, कोर्ट ने भी कराया था, वो इलेक्शन फीफा ने भी अप्रूव किया था। अब ठीक है, देखें वो इलेक्शन जब फीफा ने अप्रूव किया और फीफा ने खुद कहा, पीएफए उस वक्त जो फैसल साले आज साहब थे उन्होंने बोला जी अब सरदार साहब 2022 तक इलेक्शन। सही है, ठीक तो है, अब सरदार साहब ने देखा गया यार मेरे पास तो अच्छा ऑप्शन है। देखिए हमारे यहाँ हर कोई जो है ना अपनी सीट तो बचाने की कोशिश करता है। ये आपने बेशक। अपने मुल्क के इलेक्शन में भी देख लिया है, तो ये तो एक मेंटालिटी है और ये दुनिया भर मेंटालिटी है। मतलब आप फीफा अगर ये छोड़े, आप फीफा काउंसिल के भी इलेक्शन देख लें तो फीफा काउंसिल में भी एवरीबॉडी वांट्स टू प्रोटेक्ट देयर सीट। ऑब्वियसली तो मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मेंटालिटी। मतलब अभी हम उससे हट जाएं कि वो क्या गलत है और क्या सही है, बस एक मेंटालिटी। तो उन्होंने ये केस जीत लिया। फीफा उस टाइम पर भी बहुत करीब आ गई थी बैन लगाने के, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था कि जी 2022 तक ये लीगल रैंगल चलता रहेगा। जब हारून साहब आए तो आई न्यू कि भाई फीफा 2022 से पहले इलेक्शन नहीं कराएगी। सही है, और सही है, मतलब यही बात जो है वो हम अगर अगर फीफा ओपनली आती उस टाइम पे गवर्नमेंट से जरा बात कर ले कि जी आपको फुटबॉल सॉल्व नहीं होना, और गवर्नमेंट को थोड़ा सिखाए कि जी फुटबॉल किस तरह चलता है। हमारी गवर्नमेंट को भी नहीं पता ना फुटबॉल चलता कैसे दुनिया। डू थिंक देयर इज सिंसेरिटी विद इन द गवर्नमेंट रैंक्स के एक्चुअली फुटबॉल चलानी है? आई एम दिस इज ऑनेस्ट क्वेश्चन। यार देखें बेसिकली ना फुटबॉल चलाने वाले लोग नहीं है, फुटबॉल की सीट पे बैठने का लोगों को बहुत शौक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एग्जैक्टली देखें बहुत सारे लोग हैं जो ऑफ कोर्स चाहते हैं कि वो फीफा की सीट तक जाएं, मतलब पीएफए प्रेसिडेंट बने। अगर आप पीएफए के ऑफिशियल्स बनते हैं तो आपकी बहुत एएफसी में आप जाते हैं, बहुत सारी 10,000 चीजें होती हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल होता है। तो देखें हर कोई ये वो तो चाहता है, हमें बहुत पसंद वो तो है। पाकिस्तानियों को बहुत पसंद है। तो अब यही सारे मसाइल है ना, एवरीबॉडी वांट्स दैट लाइफ ऑफ लग्जरी। देखें वो यहाँ पे इतना रिफ्लेक्ट नहीं होता, लेकिन जब आपके पीएफएफ ऑफिशियल्स वर्ल्ड कप के मैचेस पे जाते हैं, जब वो एएफसी कांग्रेस की मीटिंग में जाते हैं, जब वो फीफा कांग्रेस की मीटिंग में जाते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। आप सबसे पॉश किस्म के होटल्स में रहते हैं, आप जब रशिया के वर्ल्ड कप पे होते हैं तो आप फोर सीजन में रह रहे होते हैं। ये सारी जो पॉश प्रिविलेजेस है ना, आपको वीआईपी प्रोटोकॉल्स मिलते हैं,
ये सारी चीजें देखें हर कोई चाहता है हमारे मुल्क में, लेकिन वो लोग अनफॉर्चुनेटली फुटबॉल नहीं चलाना चाहते और ना वो फुटबॉल चलाना जानते हैं, विच इज वाई हमारी फुटबॉल लीग तो मैं भी इधर, मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, कि फीफा आप कह रहे हैं सिखाए लोगों को, जब वो सिर्फ सीटें चाहते हैं तो फिर आई थिंक यही तो हुआ है रिसेंटली, इतनी होप और थोड़ी वो जो एटलीस्ट पॉलिटिक्स के अलावा जो हम फुटबॉल फील्ड पे देख रहे थे उसका डायरेक्ट बाय प्रोडक्ट था कि जिन लोगों को फुटबॉल चलानी आती है, डैनियल लिमोनेस वगैरह, वो एक्चुअली फुटबॉल चला रहे थे। तो जब अगली गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं वो फुटबॉल चलाने ही नहीं चाहते और सिर्फ सीटें चाहते हैं, तो फीफा फिर आके उन्हें क्या सिखाए? फीफा जो है ना, हमारी एक तो पीएफएफ का मसला ही है, हमारी पीएफएफ बहुत बहुत सारे फ्लॉज है, पीएफएफ की कॉन्स्टिट्यूशन फ्लॉड, सारा मसला है कि आपकी पीएफएफ की कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्लॉजेज है दे आर मेंट टू कीप दोस पीपल हु आर इन पावर मतलब देर इज वेरी लिटिल चांस कि उसी सेलेक्ट ग्रुप में से हटके कोई और बंदा आएगा जो रूल्स स्टैट्यूट्स जो ठीक बने हुए है। हैं, सही है। तो बेसिकली बहुत दफा मैंने व्हेन द नॉर्मलाइजेशन कमिटी वाज अनाउंस एंड आई सेड कि जी फीफा को अगर कुछ चीजें तमीज से करानी है ना तो आप स्टैट्यूट्स चेंज करो, आप ऐसे स्टैट्यूट्स बनाएं कि जो लोग फुटबॉल चलाना जानते हैं दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कम इनटू द पीएफएफ। तो जब तक वो चीजें ओपन नहीं होंगी